अब बात करते हैं बुरहानपुर की, जहां चुनावी विवाद के चलते क्षेत्र के सूचीबद्ध गुंडे को पुलिस के द्वारा उठाने में क्षेत्र में विवाद गहरा गया। आपको बता दें कि सिंधी बस्ती क्षेत्र के एक सूचीबद्ध गुंडे नीतू तुलसारी को पुलिस ने पूछताछ के लिए उठा लिया, जिसके बाद सिंधी समाज के कुछ लोग SP कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। वहीं समाज के लोगों का आरोप है कि राजनीतिक षड्यंत्र के चलते पुलिस ने गिरफ्तारी की है। आपको बताते चलें कि कुछ दिनों पहले भी सिंधी बस्ती के पूर्व पार्षद भाजपा लखू कोटवानी को पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया था, जिसके बाद बस्ती में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई थी। समाज के लोग सड़क पर आ गए और दुकानें बंद कर दी थी। वहीं एक बार फिर से सिंधी समाज प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ अविरोध कर रहे हैं। दरअसल सिंधी समाज के नीतू तुलसानी को लालबाग पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया, जिसके बाद नीतू के परिजन और समाज के लोग SP कार्यालय पहुंच गए और वहां जमकर नारेबाजी करने लगे। वहीं सोनम तुलसानी का कहना है कि राजनीतिक षड्यंत्र के चलते नीतू की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन वो गिरफ्तारी करने वालों को सफल नहीं होने देंगी। उनका कहना है कि हमारे वार्ड से निर्दलीय पार्षद ही जीतेंगे। वही लोगों की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह कनेस उनके पास पहुंचे और समझाइश दी। मामले में पार्षद खकू कोटवानी का कहना है कि राजनीतिक द्वेष के चलते ये कार्रवाई की गई है, विरोधी पार्टियों को अपनी हार दिखाई दे रही है। सवाल ये उठता है कि नगर में हर वार्ड में निर्दलीय बागियों के कारण इस तरह की हरकत से भाजपा महापौर की सीट क्या निकाल पाएगी। विराट 24 न्यूज के लिए बुरहानपुर से हेमराज रघुवंशी की रिपोर्ट। आपको लिखित में दे दीजिए, यही को कुछ शिकायत मिली है, वो इसीलिए उसको पूछताछ के लिए बुलाया ये बताइए कहाँ पहुँचे आप लोग, क्या शिकायत आप लोगों? सर हम SP ऑफिस के बाहर खड़े हैं और मेरे हस्बैंड को बेगुना उठा के लेके गए, उसका कोई गुनाह नहीं है, निर्दलीय के खिलाफ वो लड़ रहा है उसको उठा के, और ये अर्चना की शादी से पूरी उसने ही प्रेशर डाला इनके ऊपर कि उठा के लेके जाओ, क्योंकि उनको पता है कि ये जीत रहे, क्योंकि जहाँ मेरा हस्बैंड खड़ा रहता है ना वो तो जीतेगा ही, तो वो उसके पीछे ही पड़ी है। कौन है आपका हस्बैंड, क्या नाम है? नितिन तुलसानी। ऐसा तो आपको क्या लगता है, मतलब राजनीति के कारण? राजनीति ही चल रही है और आज से नहीं है सर, ये पहले से ही चल रहा है, ये 10 सालों से इसके पीछे ही पड़ी है, मेरे परिवार को ही इसने पूरा डिस्टर्ब कर दिया है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं उन, नहीं मैं यहाँ से आज जाऊंगी नहीं सर जब तक इसको नहीं छोड़ेंगे। कोई केस भी ना है और अभी तो कोई केस भी नहीं है, बैठा था घर से उठा के लेके गए, कोई केस नहीं था उसके ऊपर। क्या नाम है आपका? सोनम तुलसानी। आप पत्नी उनकी? मैं पत्नी हूँ उनकी। क्या है, मेरे वार्ड में मेरा कार्यकर्ता है नीतू तुलसानी, अपने परिवार साथ में रहता है, पिछले रिकॉर्ड से खराब थे, अब सुधारने की कोशिश कर रहा है वो, अब सुधारने की कोशिश करने के बाद भी उनको जब से उठाया जा रहा है, बेकसूर लड़का है, बेकसूर उसके परिवार बेकसूर है, जब से उठाया गया आज और उस पर केस कर रहे हैं। मैंने SP साहब से निवेदन किया कि साहब बेकसूर है, इनको छोड़ दीजिए आप। बोले ठीक है, मैं TI साहब से बात करके जितनी मदद हो सके मैं करूँगा। आप लोग क्या मानते हैं, क्या क्या कारण हो सकता है? कारण क्या रहा, चुनाव लड़ रहा है जीप से चुनाव लड़ रहा है, ये मनीषा गोस्वामी है मेरे वार्ड की बच्ची है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, अब वो प्रेशर उनको इतना है कि अपन हार रहे हैं। कौन दे रहा है प्रेशर ऊपर? अपन सुनाने को ले, अपन अपना नहीं मालूम, ऊपर से प्रेशर उनको आ रहा है कि ये जीत रहे, इन पे हाथ कंडे अपना हो, पुलिस भेजो, ये भेजो, वो भेजो, हम डरने वाले नहीं है। पिछले बार भी आपको भी उठाया था? 4 दिन पहले मेरे को उठाया था। अच्छा, मेरे पे कोई केस नहीं था, जब से उठा लिया था बाद में छोड़ दिया TI साहब ने, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी इनको उठा लिया है, मेरा TI साहब से निवेदन है कि इन पे कार्रवाई नहीं है, कोई केस नहीं है तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाए, अन्यथा क्या है बस्ती का माहौल बिगड़ेगा। ये मनीषा गोस्वामी चुनाव लड़ रही है और जीत रही है, इसकी जीत से डर से इनके दिमाग की हंडिया बज गई है। कौन लोग ये? अब हमारे विपक्ष वाले कौन जो हमारे खिलाफ खड़े, इसके लिए वो डर गए हैं कि इनकी हत्या ना हो, तो डर के बारे ये बैठ जाए,
हम बैठने वालों में नहीं है, हम समाज सेवा करने वालों में से हैं। हम समाज सेवा 10 साल 15 साल करते आ रहे, पहले भी 2 बार जीत चुका हूँ, इस बार भी ये पार्टी का सहयोग है, समाज का सहयोग है कि हम काम करते और जीतते हैं। इनको दहशत खा गई है हमारे विपक्ष वालों को। क्या नाम है आपका? लक्कू भाई कोटवानी, सिंधी बस्ती, पूर्व पार्षद। ये थाना लालबाग वाले क्षेत्र में एक नीतू तुलसानी नाम का एक्टिव गुंडा रहता है, इसके खिलाफ थाना प्रभारी को शिकायत मिली थी। उसी शिकायत के चलते थाना प्रभारी ने उसको पूछताछ के लिए उठाया है और पूछताछ के बाद जैसा भी होगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके ऊपर पूर्व से 34 दौर तथा मारपीट जैसे अपराध दर्ज हैं। तो हमारा थाना की जो गुंडा सूची होती उसमें एक्टिव गुंडा लिस्ट में शामिल है। सर, इसको राजनीतिक प्रेरित बताया जा रहा है परिजनों द्वारा? शिकायत मिली है बस उसी का कंफर्मेशन और उसी के ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है इसमें।